वहीं आज रुड़की के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद देहरादून से रुड़की के लिए रवाना होंगे। रुड़की में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। दोपहर करीब 3 बजे सीएम धामी रुड़की पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है करीब 11 बजे, उसके बाद देहरादून से रुड़की के लिए रवाना होंगे। रुड़की में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी से खबर, जहां आपने चुनावी कैंपेनिंग तेज कर दी है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का कुमाऊं का दौरा है। 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर गोपाल राय रहने वाले हैं। आज हल्द्वानी से नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत करेंगे। चंपावत, खटीमा और किच्छा में भी नव परिवर्तन संवाद किया जाएगा। अंकित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी कैंपेन कर रही है, वहीं आप भी अब पीछे नहीं है। देखिए गुंजन, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा चुनावी मूड में आ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी कैंपेनिंग तेज कर दी है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय हल्द्वानी आएंगे और 4 दिवस इनका कुमाऊं दौरा है। और हल्द्वानी के निजी बैंकेट हाउस है नव परिवर्तन जनसभा की शुरुआत करेंगे। और 3 तारीख को चंपावत और खटीमा और 4 तारीख को किच्छा में इसकी शुरुआत होगी। वहीं जिस तरह से लगा रहे थे भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस के चुनाव के मद्देनजर, वहीं आम आदमी पार्टी भी अब जोरों पर लग रही है और लगातार जनता के बीच अपने संवाद कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में भाजपा का चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। कल देवभूमि आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 फरवरी को जेपी नड्डा का गंगोत्री और रामनगर का दौरा है। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो उत्तराखंड में भी चुनावी कैंपेन को और तेज करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कल देवभूमि में जेपी नड्डा का दौरा है। 3 फरवरी को जेपी नड्डा गंगोत्री और रामनगर का दौरा करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रुड़की से भी खबर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने प्रदेश से सटी हुई सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। हर गाड़ी की सघन जांच के बाद ही अब एंट्री मिल पाएगी। नारसन बॉर्डर मंडावर लखनौता झबरेड़ा में सख्ती को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनावों को देखते हुए पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश से सटी हुई सीमाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिल पा रही है। नारसन बॉर्डर मंडावर लखनौता झबरेड़ा में खास तौर पर सख्ती को बढ़ा दिया गया है।